बैंगलोर से भूटान तक का सफर हम तीन दोस्त तय करने वाले थे। प्लानिंग तो हमारा 2-3 महीने से चल ही रहा था, लेकिन एक दोस्त की मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो हम दो दोस्त निकले भूटान। जब भूटान का प्लान बना, हमारे पास दो रास्ते थे। एक जो बैंगलोर से नागपुर, नागपुर से प्रयागराज, वहाँ से वाराणसी, गया, दरभंगा और किशनगंज से होके सिलीगुड़ी पहुँचता था, और सिलीगुड़ी से हम लोग पहुँचते थे भूटान। यह रास्ता कन्वीनियंट भी था और बहुत ईजी भी, लेकिन हम लोगों को ईस्टर्न घाट से जाना था, तो इसलिए हमारा रास्ता था बैंगलोर से विजयवाड़ा, वहाँ से विशाखापट्टनम, पुरी, किशनगंज और वहाँ से सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी से हम लोगों को पहुँचना था भूटान। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीसी डेज। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ऑसम। और ये अपना पहला व्लॉग है और मेरा नाम है दीपक चौहान और ये है राकेश कंदरली। यस, आज हम लोगों का प्लान बना था नेपाल निकलने का, लेकिन हम लोग सुबह को खाने के लिए गए थे बिरयानी शिवाजी को, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नेपाल नहीं जा रहे। अभी तो फिलहाल प्लान बना है कि हम लोग विशाखापट्टनम की तरफ जाएंगे और वहाँ पे अगर हो सका तो स्टे करेंगे। अब घर से निकल के 2-3 घंटे हो गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 5:53 और विशाखापट्टनम अभी बहुत दूर है। अभी विशाखापट्टनम पहुँचने को हम लोगों को और एक 16 आवर्स लगेगा, 16 आवर्स 7 मिनट्स कुछ हम लोग, और हम लोगों को खाना खाने के लिए भी रुकना है और रात को पता नहीं है अगर स्टे करेंगे या नहीं करके। डे वन है तो देखते हैं क्या होता है। शाम के 6 बजे थे और हम लोग देर से भी निकले थे, तो कहीं पे भी रोक नहीं रहे थे, हम लोग बस चलाते ही जा रहे थे। रात को 10-10:30 बजे हम लोगों को एक ढाबा मिला है जिसका नाम था जयचंद्रा। वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके थे, थोड़ा 1-2-3 रोटी खाया हम लोगों ने, फिर बाद में ड्राइविंग स्टार्ट कर लिया। स्टे कहीं पे नहीं किया था उस रात हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था 4 बजे को। Day 2 विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम और 120 किलोमीटर्स बचा था जो हमारा रेस्ट करने का डेस्टिनेशन था। सुबह 10 बजे हम पहुँचे और नाश्ता किया, सारी रात गाड़ी चलाई थी तो सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेंगे विशाखापट्टनम में, लेकिन डिसाइड किया कि जितना टाइम हम जाने में वेस्ट करेंगे उतना ही टाइम हमें भूटान में कम मिलेगा, तो आज का डेस्टिनेशन था पुरी। बारिश भी बहुत हो रही थी और गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए थी, तो एक जगह हम लोगों ने एक चाय ब्रेक लिया, मस्त बारिश में चाय पिया, थोड़े पकोड़े भी खाए और फिर से अपना जर्नी स्टार्ट किया, और रात को हम लोग पहुँचे लगभग 11:30 तक पुरी। पुरी में हम लोगों ने एक होटल बुक किया था जिसका नाम था प्रीति विला, मतलब बस नाम था प्रीति विला। प्रीति में रूम बुक था, फिर भी उन लोगों ने बोला कि रूम नहीं दे सकते, तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकल के प्रीति के सास के घर गए जो था सास गेस्ट हाउस। आई यूज दिस थिंग हियर एज माय मैट, यू यूज दैट प्लीज, डोंट कम टू माय ना, नो नो नो, रे गेट दैट टू दैट प्लेस, ओके, एंड फ्रॉम देयर यू जंप, दिस इज टेक्निक मैन। See, if you do that and you keep walking there only, then again you collect all the marlu. Till morning you'll be doing the same thing, 1,800 rupees kottibittu. That's why.
ओके गुड नाइट बाय बाय आई डोंट थिंक आई वांट टू लव नोबडी एक्सेप्ट फॉर माय मॉम एंड डैड cuz love leads to a broken heart and I don't think I'm now ready for that but everybody finds somebody that ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಏನು ವಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಇದು ಯಾರ ಕಹಿ ಆರ್ ಜಾ ರೇ ಪತಾ ನಹೀಂ ಹೈ ಕಹಾಂ ಪೆ ಹೈ ಪತಾ ನಹೀಂ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು ಕೊಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹುಚ್ಚು ಹೋಯ್ದು 2 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ಹೋದ್ರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಅಂತ